कोरोना की तीसरी लहर के लिए यूपी में गाजियाबाद शासन ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। बच्चों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अनुमान लगाकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। तीसरी लहर में कई दवाइयों पर रोक रहेगी। गंभीर हालत में ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य लक्षण होने पर डॉक्टर की निगरानी में घर में ही इलाज होगा। उल्टी, दस्त, खराश और हल्का बुखार सामान्य लक्षण बताए गए हैं। कुछ मामलों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को भी शिकायत हो सकती है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमित अधिकांश बच्चे लक्षण विहीन हो सकते हैं। लूज मोशन, हल्का बुखार, गले में खराश, उल्टी होना या पेट में दर्द जैसे लक्षण होने का अनुमान है। कुछ केस में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की भी शिकायत हो सकती है। बच्चों को रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, फेविपिरावर और एस्ट्रॉइड जैसी दवाओं को देने से मना किया गया है। जिन बच्चों को ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आता है उन्हें गंभीर नमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में मरीज को फौरन किसी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के बाद एस्ट्रॉइड दी जा सकती है। ज्यादातर में होंगे ऐसे लक्षण। ज्यादातर बच्चे लक्षण विहीन या हल्के बुखार लक्षण वाले होंगे। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकावट, सूंघने व स्वाद में की क्षमता में कमी आना, नाक बहना, मांसपेशी में तकलीफ, गले में खराश, कुछ बच्चों में दस्त आना, उल्टी होना, पेट दर्द होना सामान्य लक्षण होंगे। ऐसे बच्चों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार हो सकता है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।